लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के साथ लोकसभा चुनाव के प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी मौजूद है। साथ ही एक दिन पहले लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद अनिल जैन भी इसमें शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सभी जिलाध्यक्ष और अहम पदाधिकारियों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जा रही है। बैठक में प्रत्याशी चयन से लेकर प्रदेश से जुड़े चुनिंदा मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की हार की हताशा से कैसे उबारा जाए, इस बात पर भी मंथन का दौर जारी है। इस बैठक से पहले पार्टी के खिलाफ लगातार बागी सुर अपना रहे बाबूलाल गौर भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक रामलाल ने उन्हें आगे से ऐसा ना करने की हिदायत भी दी है। जाहिर है कि जिस तरह से ये बैठक चल रही है, बैठक में साफ हो जाएगा कि आगे 2019 की रणनीति कैसे होगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आज इसी तरह का माहौल है और खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, जीत की रणनीति। देखिए, संगठन का परंपरा है और राज्य का कोई भी प्रभारी होता है तो स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास। सॉरी सर, जैसे मैं गौर साहब से मिला था, कल मैं गया कैलाश सारंग जी और रघुनंदन शर्मा जी के यहाँ में गया था। मैं विद्यार्थी परिषद कार्यालय राष्ट्रीय संगठन सभी लोगों से मिलने का काम, ये परंपरा चलता रहता है। ये पूरा परिवार है और परिवार के सभी लोगों से मिलना चाहिए। हर प्रभारी का दायित्व होता है और अपने अपने दायित्व के हिसाब से सब काम करते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, दौड़ना मेरा स्वभाव है, संगठन में कार्यकर्ताओं से मिलना मेरा स्वभाव है और कार्यकर्ताओं की रक्षा करना और कांग्रेस के जुल्म के खिलाफ लड़ना ये हमारा अपना दलीय और नैतिक अधिकार है, उसमें हम सदैव लगे रहते हैं। तो शुरुआत करें, उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको परिचय करा देता हूं। मेरे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता राकेश शर्मा, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा आएंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर मौजूद रहेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ राकेश शर्मा जी से। सबसे पहले समझने का प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, 2018 आपने देखा कि आप सत्ता गवा बैठे, लेकिन अब 2019 की तैयारियां हैं और समय बहुत कम रह गया, लेकिन हम कल से देख रहे हैं लगातार आप मंदिर की बात भी कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच ये खबरें भी आ रही है कि बाबूलाल गौर जैसे नेताओं की जब बंगले तमाम सारे नेता मिलने पहुंच रहे, तो क्या मंथन है या मंथन के साथ डैमेज कंट्रोल? देखिए मनोज जी, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें जनता ने दी है, तो यह कहीं भी हम नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नकार दिया। कांग्रेस से मात्र 5 सीटें हमारी कम है, बहुमत हमें नहीं मिला तो कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं मिला। पर आने वाले लोकसभा चुनाव जिसमें देश का फैसला होगा कि देश किस दिशा में जाएगा, भविष्य देश का क्या होगा, वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया, देश जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में पीछे जा रहा था, जो रेटिंग है विश्व की रेटिंग थी उनमें कहीं पीछे जा रहा था, आज सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले देशों की जब गिनती होती तो चौथे नंबर पर भारत का नाम आता है। पिछले 4.5 साल में इस देश को एक नया आयाम देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और देश में फिर हमारी सरकार बने, उसके लिए हमारी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, आज बड़ी बैठक हो रही है जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय रामलाल जी पधारे हुए हैं, साथ ही स्वतंत्र देव सिंह जी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, सतीश उपाध्याय जी, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो एक चमत्कारिक नेता है मध्य प्रदेश के, वो उस बैठक में, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी उस बैठक में, तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के बैठक में आए हैं, साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश से चुनिंदा कार्यकर्ता जो आने वाले लोकसभा की रणनीति बनाएंगे, कैसे हमारा कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा, कैसे जमीन के स्तर पर जो हमारा काम खड़ा हुआ है उसको और कैसे जनता के बीच लेके जाएंगे, उसको लेकर विचार मंथन हो रहा है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज मनोज जी ये है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में कमलनाथ जी की सरकार चल रही है, लेकिन डैमेज कंट्रोल का बताया गया आपने कि बाबूलाल गौर की तो पहुंचे हो। देखिए माननीय बाबूलाल गौर जी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी वर्तमान में हैं, माननीय रामलाल जी से उनकी चर्चा हुई है, संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा हुई है, स्वतंत्र देव सिंह जी से उनकी चर्चा हुई है,
भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से बाबूलाल गौर जी बड़े नेता हैं, लगातार उनने जो विचार अपने रखे हैं उस पर पार्टी ने विचार किया है। माननीय बाबूलाल गौर जी की 1-to-1 हमारे नेताओं से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि बाबूलाल जी गौर के मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे या जो उनके मन में विचार आ रहे हैं उन्हें नेतृत्व के सामने रखे और नेतृत्व ने उस बात को माना। मैं जिस विषय पर आ रहा था मनोज जी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, पर विधानसभा के समय में जो कांग्रेस पार्टी ने वचन दिए थे, जनता आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। किसानों का कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, नई नई तारीखें आ रही हैं, कभी फॉर्म भराए जा रहे हैं, कभी छटनी की जा रही है। अब तो एक नया शगुफ छोड़ दिया गया है कि सहकारिता में जितने लोगों ने कर्ज लिया वो सब फर्जी है। वो हो सकता है 1-2 सोसाइटी में 5-10 लोग अगर गलत होंगे, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए, पर अगर 100 लोगों ने अगर वहां से कर्ज लिया है और 10 अगर डिफॉल्टर है तो 90 लोगों को उसकी सजा मत दीजिए, उन 90 लोगों का कर्ज माफ कीजिए। चलिए, मतलब ये जी समय चाहूंगा, बिल्कुल जी, कही गंभीर विषय है। मैं एक और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि किसान तो ठगा ठगा महसूस कर रहा है। जिन किसानों ने अपने कंधे पे बैठा के कांग्रेस पार्टी को सरकार में पहुंचाया, आज वो किसान 4 कंधों पे बैठकर शमशान की तरफ जा रहा है। एक ये सबसे बड़ा युवाओं का रुझान जो कांग्रेस की तरफ हुआ था, कांग्रेस ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, साथ में नौकरी देंगे। कहीं ना कहीं ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है युवाओं को, ना नौकरी मिल रही है। महिलाओं की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, लगातार व्यापारियों की हत्या हो रही। अब तो हद इस तरह की हो गई है कि आप देखिए, छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां पे इनके एक सेवा दल के कार्यकर्ता की कल मंडल का जो अध्यक्ष था उसकी हत्या कर दी जाती है। तो अब ना कांग्रेस के लोग सुरक्षित है, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित। चलिए, ये तो आपका जी आपका हाथ बनता है, और हमें लगता है यही तमाम सारे मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली कि इन सबको लेकर आप कैसे मैदान में जाएंगे। खिलावन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 2018 चुनाव के बाद से, इलेक्शन के बाद से सरकार अब कांग्रेस की बन गई है, बीजेपी को तो डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। बाबूलाल गौर साहब के पास कुसमरिया पहुंच जाते हैं, कल जितेन डागा पहुंच गए, आज उनको तलब भी कर लिया, हालांकि रामलाल जी ने समझाइश भी दे दी। तो ये मंथन के साथ डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, आपको क्या लग रहा है? आज दिन भर जब वरिष्ठ नेता बैठे होंगे तो क्या इस पर भी चर्चा होगी? और क्योंकि एक चीज और देखी जा रही है कि अनिल जैन साहब को अब जिम्मेदारी सौंपी गई, और अनिल जैन वहां से आते हैं, आपको पता है कि आरएसएस से आते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या संगठन के लोगों की तरफ से, जिस तरह स्वतंत्र देव भी यहां प्रभारी है लेकिन उनके ऊपर अनिल जैन को बिठा देना, ये तमाम सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही? लोकसभा के चुनाव लगभग आसन्न है, लगभग हम 4 लोकसभा विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, तो लगभग 3 महीने 3.5-4 महीने का समय दोनों के बीच रहता है। लेकिन हमने इस बार देखा कि अभी तक भाजपा ने डैमेज कंट्रोल के लिए तो प्रयासरत है वो लगातार, लेकिन भाजपा ने अभी तक हार के कारणों पर कोई समीक्षा नहीं की है। दूसरी बात यह है कि जिन क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले जो हार गए प्रत्याशी हैं उनका फीडबैक आया है, जो जीत गए उनका फीडबैक आया है, और वहाँ जो लोग निश्चित रूप से जो भीतरघात के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और कर भी रहे थे, ऐसा कई बार प्लेटफॉर्म में आया भी है, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि बाबूलाल गौर जी ने जब इस तरह की बातें कही कि हम लोकसभा चुनाव के लिए हमको ऑफर मिला हुआ है कांग्रेस से, उसके बाद लगातार जो असंतुष्ट नेता है या जो निष्कासित हो चुके हैं, जैसे कल जीतन डागा जी मिलने गए थे, उससे पहले रामकृष्ण कुसमरिया जी गए थे, तो मुझे लगता है इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि बाबू सिंह रघुवंशी को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो शिकायतें मिली है इस तरह की डैमेज इस तरह भीतरघात करने की, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, चुनाव के पहले जब फॉर्म उठाने के लिए कहा गया था बागियों को, तब नहीं उठाया गया, तब कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अनिल जैन तक को यहाँ आना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी ये पाया है कि भाजपा में जो है वो संवादहीनता की स्थिति बहुत ज्यादा निर्मित होती जा रही है,
हमने हमने पाया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है और संगठन महामंत्री से कोई संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या संगठन प्रभारी है उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं कर रहा है, तो संवादहीनता की स्थिति है मुझे लगता है, और इस पर जो है केंद्रित ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मैं जितेंद्र जी के पास चलूं, उससे पहले हमारे सहयोगी राजेश के पास चलूंगा। राजेश, आज जो बैठक चल रही है, बैठक में क्या चल रहा? महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि बैठक के ठीक एक दिन पहले अनिल जैन साहब को पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो क्या लग रहा है? बाबूलाल गौर साहब भी वहां पहुंचे थे, राजेश आप मुझे सुन पा रहे? बिल्कुल। तो क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त, बैठक में क्या हाल है जी बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, आज की जो बैठक है जो बीजेपी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चल रही है, काफी अहम है। एक तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक है, जिसपे इस बैठक के जरिए एक ठोस रणनीति यहाँ से पार्टी बनाने जा रही है। दूसरी तरफ जो कई तरह की चुनौतियां पार्टी के सामने हैं, कई ऐसे नेता हैं जिस तरह से अभी आप इसी जिक्र कर रहे थे बाबूलाल गौर को लेकर, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ कांग्रेस से जिस तरह से ऑफर की बात लगातार हो रही है, हालांकि सुबह रामलाल से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से उनकी काफी देर तक मुलाकात हुई, तकरीबन एक घंटे उनकी मुलाकात हुई, और जब वो मुलाकात के बाद निकले तो गौर साहब के जो स्वास्थ्य थे वो बदले बदली हुए थे मनोज जी, और उन्होंने कहा था कि तो क्या कुछ मिल गया गौर साहब को? जी मनोज जी, क्या कुछ मिल गया गौर साहब को? हिदायत मिल गई या कुछ मिल गया कि आने वाले दिनों में कुछ नया मिल जाएगा गौर साहब? मुझे लगता है मनोज जी कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है रामलाल जी से, क्योंकि जिस तरह से उनके फेवर थे बाबूलाल गौर के लगातार देखने को मिल रहे थे, और न्यूज वन लगातार जो सुर्खियां बटोर रहे थे चला रहा था। उन्होंने जब वो निकले मुलाकात के बाद निकले तो उनका कहना था वो कहीं जाने वाले नहीं है, पार्टी दफ्तर में ही रहेंगे, पार्टी के लिए ही काम करेंगे। हालांकि कई मुद्दों पर वो चुप्पी साधते हुए दिखे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अनिल जैन का भी अभी जिक्र हो रहा था कि अचानक जिस तरह से उन्हें मध्य प्रदेश का लोकसभा प्रभारी बनाया गया, स्वतंत्र जो स्कीम पहले से भी थे, तो अनिल जैन का कहना था जब उनसे इस मुद्दे पर बात की गई कि चाहे बाबूलाल गौर का मसला हो, चाहे रामकृष्ण का मसला हो, या तमाम ऐसे नेता जो पार्टी विरोधी लगातार बयानबाज कर रहे हैं, कैसे संभालेंगे, कैसे उनको बनाएंगे, तो उन्होंने कहा है सबको साथ दिया जाएगा और घर की बात है वो हम सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं संकेत है जिसमें से कहा जा रहा है कि अमित शाह की काफी करीबी जैन है, और इसी संदेश को लेकर वो राजधानी भोपाल आज इस बैठक में पहुंचे हैं। और इसके अलावा अगर बैठक की हम बात करें मनोज जी, तो इसमें जो जिलाध्यक्ष है वो शामिल है, जो कई पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता है, पदाधिकारी है, संयोजक है, ये तमाम सारे लोग इस बैठक में मौजूद है, और यहाँ से बैठक की शुरुआत हो चुकी। ठीक है राजेश, चलिए आप निगाह बनाए रखिए, हमें विश्वास है कि आप कुछ जब लौटेंगे तो कुछ नया लेकर लौटेंगे और हम उस पर भी मंथन करेंगे। जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो मंथन कर रही है, जीत की राजनीति बना रही, जीत की रणनीति तैयार कर रही है, हालांकि कांग्रेस की भी एक दिन पहले बैठक हुई है, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह से आपने वायदे किए थे वचन पत्र में, जैसा आरोप भी आप पर लगा रहे राकेश जी, तो अब ये वायदे कहीं आपका जो वचन पत्र है वो महंगा तो साबित नहीं हो जाएगा 2019 के लोकसभा? देखिए मनोज जी, ये जो वचन पत्र की बात की जा रही है, ये वचन पत्र हमने जुमलेबाजी में नहीं दिया है, हमने उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया है कि हमको ये काम करना है और जनता के समक्ष वचन दिया है। ये 21,000 घोषणाएं नहीं है शिवराज सिंह जी की, जिनका पता नहीं है कि धरातल पर पहुंची कि नहीं पहुंची, बड़ी जिम्मेदारी से हमने इस जनता के सामने वचन दिया है, और वचन के एक एक घोषणा को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि शुरू हो जाएगा काम पूरा होने की दिशा में। किसानों को ऋण माफी की दिशा हमारा पहला काम था, जिसको कि आपने देखा एक घंटे के अंदर उस पर निर्णय लिया जा चुका। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का, जिस पे आज ये आपने डिबेट करने का वो किया है, तो मुझे ये समझ में आता है मनोज जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, ये इसमें मीटिंग में कोई सार निकालने के लिए नहीं की गई है, ये मीटिंग जो है इस असंतुष्टों को शांत करने के लिए बुलाई गई। उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के आए थे, काफी पहले से वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिख रही है, इसलिए एक नई नियुक्ति अनिल जैन के हाथ खड़े इस बात को लेकर कर दिए कि नेता एक पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, हाथ खड़े इस बात को लेकर कर दिए कि यहाँ तो स्थिति गड़बड़ है, 2018 जैसा हो जाएगा। जी मैं आपको बता रहा हूँ, वही उसी पे आ रहा था कि आज की स्थिति में आपने देखा प्रधानमंत्री के मंच से उमा भारती की पीड़ा झलकी। ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है मनोज जी, ये लड़ाई विक्रम वर्मा के खिलाफ में बागी बन के जो अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे उस समय से चली आ रही है,
लेकिन चूंकि जनता का समर्थन मिल गया इसलिए ये लड़ाई दबी रही। आज सारे लोग, चाहे वो उमा भारती की बात की जाए, बाबूलाल गौर साहब की बात की जाए, सरताज सिंह कुशमरिया, लाइन लगी हुई है जो कि नरोत्तम मिश्रा पर आके खत्म होती, अभी भी उनके साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया आपने सबने देखा। तो मेरा ये कहना है कि एक डोर में पिरोने की कोशिश है, लेकिन ये व्यवस्था, ये जो असंतोष है इतना विस्फोटक हो गया। प्रभात झा ने खुद कहा था, आपने सुना था कि विस्फोट हो गया, पोखरण हो गया, मुझे मालूम नहीं चला। ऐसे अगर संगठन के पदाधिकारियों के साथ अन्याय किया जाएगा, ऐसे उनका शोषण किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी मीटिंग कर ले इनका फायदा होने वाला नहीं है। मनोज जी थोड़ा एक 5 सेकंड और मैं लेना चाह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पावर में रहे तो उन्होंने संगठन पर भी अपना रबर स्टैंप अध्यक्ष बैठाला, आपने देखा जो अध्यक्ष काम करने वाले थे, जो संगठन की विस्तार की बात करने वाले तो थे, आप क्या तो अध्यक्ष ही नहीं बदल पाए आप लोग। हाँ नहीं, तो अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी सक्षम अध्यक्ष है बदलने की, इसलिए नहीं बदला। तो इन्होंने हरदम अपने रबर स्टैंप को बैठाने की कोशिश की। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह जी ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में टिकट देने की जिम्मेदारी खुद लेते थे, हर चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी खुद लेते थे। तो वो जब चीजें पार्टी ने उन्हें पहुंचा भी तो दिया। हाँ बिल्कुल, वही मेरा मतलब है कि पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद क्या दुर्गति हुई आपने देखा, उसके पीछे अगर मैं कारण समझ पाता सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने अपने कद के बराबर का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में स्थापित नहीं रहने दिया, इसलिए आज इस दुर्गति। राकेश जी, जिम्मेदारी जीत की है या चिंता इस बात की है कि डैमेज कंट्रोल भी करना है? आपके नेता 2018 में, और हमने जैसा जितेंद्र जी भी आरोप भी लगा रहे हैं कि शिवराज जी ने तमाम सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी, चुनाव के परिणाम आपके सामने, ये ठीक है कि आप इस बात को लेकर संतोष कर सकते कि 109 सीटें आपको मिली, लेकिन खेल में तो यही कहा जाता है ना कि जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर तो कांग्रेस है, तो अगला सिकंदर कौन? देखिए मनोज जी, आपको लगता है कि 114 सीट में कांग्रेस सरकार बना लेगी तो कैसे सिकंदर हो सकती है? क्यों बैसाखियों के सहारे की जरूरत पड़ी और साथ साथ बैसाखी? और मुझे लगता है कि एक वेंटिलेटर किसी व्यक्ति को लगता है तो पूरा परिवार माला उठा लेता है। कांग्रेस के साथ तो 7 वेंटिलेटर लगे हैं, उसमें से एक भी थोड़ा सा हिलता है पूरी कांग्रेस की सांसें ऊपर नीचे होती तैयारी चल रही है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान थे। हम जो चुनाव में हमारी सेना गई थी उसके सेनापति शिवराज सिंह चौहान थे, तो सेना का नेतृत्व करने का काम सेनापति का होता है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे थे, इसलिए आपको लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। मेरे विद्वान साथी ने कम से कम 8 नाम तो मेरे विद्वान साथी ने गिना दिए, और आप मैं कहें तो मैं 16 नाम और गिनाता हूं, तो ऐसे 24 नाम मध्य प्रदेश में आपको बड़े नजर आने लगेंगे। दूसरी बात, बार बार कुशमारिया जी की बात होती है चैनलों पर बैठकर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामकृष्ण कुशमारिया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं, और रामकृष्ण कुशमारिया जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं कह रहे थे दो दिन पहले कि 11 सीट एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैं विषय पे आ रहा हूं। रामकृष्ण कुशमारिया जी जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है तो वो किससे मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से तो मिलने गए थे बाबूलाल गौर। मैं जो कह रहा हूं, हमारा पार्टी का जो सदस्य नहीं है वो किससे मिल रहा है और कौन पार्टी उसको ऑफर दे रही है ये बताएं। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, हम सबसे बड़ी पुरानी पार्टी हैं, और दिग्विजय सिंह जी बाबूलाल गौर को कहते हैं कि आप भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ लो, कुशमारिया जी से कहते हैं आप दमोह से चुनाव लड़ लो, सरताज सिंह जी को कहा जा रहा है आप होशंगाबाद, तो क्या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दरवाजे को खटखटा रही कांग्रेस? और दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चिंता कर रहे हैं। अरे राहुल सिंह की चिंता कर लो, जिनको दिल्ली में बुला के कह दिया था कि शाम को आपको अध्यक्ष घोषित कर देंगे कांग्रेस कमेटी का, और यहां आते कह दिया गया कि सिर्फ कमलनाथ अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद पचौरी जी कहां हैं, किस कोने में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उनकी चर्चा कर रही? अरुण यादव, जिनको बलि का बकरा बनाया गया बुधनी से चुनाव लड़ा के, उन अरुण यादव के बारे में भी कोई चर्चा कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रही। मुकेश नायक, बड़े कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, आज कहां है, किस कोने में बैठे, कांग्रेस कहीं नहीं पूछ रही। वो बहुत अच्छा प्रश्न यक्ष आपने किया था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री भी है और कमलनाथ अध्यक्ष भी, जैसे वहां पे दिल्ली में केजरीवाल अध्यक्ष भी है मुख्यमंत्री भी, मतलब कमलनाथ जो कहे कांग्रेस में वही सही। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायक तरसते हैं जी, आम कार्यकर्ता की छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष का के नाते तो मिल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, कल आपने देखा होगा सभी चैनलों पर बाबरिया जी का की पीड़ा झलकी थी। एक विधायक कह रहे हैं आपने 4 सीटें हरवा दी, वापस गुजरात चले जाओ। दूसरे विधायक
के उम्मीदवार कह रहे हैं कि इनने हमसे 2 करोड़ रुपए लिए थे और हमको टिकट नहीं दिया, एक और कह रहा है कि हमसे 2 करोड़। तो ये जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रभारी, उनके बारे में कांग्रेस में ये बात हो रही है, रीवा में किस तरह से उनकी पिटाई हुई, 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी से पहले अपने बावरिया जी से तो पूछ लीजिए, प्रभारी जी से, चलिए खिलाफन जी से समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले जितेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। लिटरली रो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा अपमान किया जा रहा है, मैंने राहुल गांधी जी से भी कहा कि मुझे हटा दें, पर राहुल गांधी जी ने कहा आप अभी बैठे रहिए, मतलब और कितने पिटने वाले चले गए जी। जितेंद्र जी बड़े आरोप है आप पर। मनोज जी आपने देखा आज डिबेट का सब्जेक्ट भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग है, लेकिन राकेश शर्मा जी के पास भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने के लिए एक शब्द नहीं है, पूरा का पूरा वक्तव्य उन्होंने कांग्रेस पर दे दिया। यही कमी है और कुछ नहीं है, अपने संगठन को नहीं देखते हैं, कांग्रेस को देखते हैं। ये इनका अगर ये अपने संगठन की मजबूत करने की दिशा में ये बैठक बुलाई होती तो आज हार के कारणों पर चर्चा हो रही होती। असल बात जो है वो ये है कि रामलाल जी ने हाथ खड़े कर दिए, स्वतंत्र देव सिंह ने हाथ खड़े कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश संगठन अब काबू में नहीं आ रहा है और यहां पर बगावत तेज हो गई, जो हकीकत है उससे आपका वास्ता कराता हूं। एक चीज, अब अनिल जैन जी को भेजा गया और अगर अनिल जैन आकर के इन असंतुष्ट नेताओं के घर जाकर के मुलाकात करते तो क्या मैसेज जाता कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी हुई है? उस मैसेज को यह दर्शाने के लिए कि नहीं हम तो कार्य समिति की बैठक करने आए थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश समिति की बैठक करने आए थे, इन लोगों से मिलने चले गए। हकीकत में जो है वो सिर्फ ये जो असंतोष फैल रहा है भारतीय जनता उसको मैनेज करने के लिए आए, उसका डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आए। संगठन वंगठन तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। आप ये देखिए, जब लोक विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं को ढोने के लिए तैयार नहीं था, संघ ने सर्वे करा लिया, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे आ गया कि 70-80 विधायक लौट के आने की स्थिति में नहीं, अनेकों मंत्री हार रहे, लेकिन क्या हुआ आपने देखा उनके सर्वे। बिल्कुल अच्छा हुआ ना आपके लिए, टिकट बदल जाती तो आपका काम लग जाता। सत्ता में बैठे व्यक्ति के उस कारण टिकट दिया गया और उसका परिणाम क्या हुआ कि खुद कार्यकर्ताओं ने, उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता में आ गई। खिलावन चंद्रकर जी, खिलावन जी ये बात तो सच है कि असंतुष्ट जो नेता है वो देखे जा रहे हैं, और 18 में आप देखिएगा कि कई जगह हमने देखा, एक कहावत है कि पीपा बांध दिया, तो यहाँ कई जगहों के कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में थे, प्रत्याशी मैदान में थे, उनके ही साथ दूसरे उनके पार्टी के लोग काम कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारी सीटें जिन्हें आप देखेंगे 200, 400, 800, 1000 से हारे हैं, तो यहाँ सब वही हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको, ये 2019 का जो इलेक्शन है आज जिस बात को लेकर मंथन चल रहा है, जीत की रणनीति जो बन रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी वो 27 सीटों पर कायम रह पाएगी? क्योंकि कई जिले से तो ऐसी खबर भी आ रही है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो जीत दिला देगा। देखिए मनोज जी, भाजपा एक क्रेडिट बेस्ड पार्टी है और संगठन उसका सर्वोपरि रहता है, नेता बाद में आते हैं, पहले संगठन आता है, और मुझे लगता है कि अनुशासन जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है भाजपा में रही है। कांग्रेस में अनुशासनहीनता बहुत रहती थी पहले, लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता में कमी आई थी, लेकिन भाजपा में अनुशासनहीनता बढ़ी थी इस चुनाव में। आपने देखा होगा, मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से चुनाव के पहले जिस तरह से कार्रवाई की गई और चुनाव के बाद कार्रवाई की संभावना थी जो अभी तक नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि इस पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है आने वाले लोकसभा चुनाव की, तो 26 सीट वर्तमान में भाजपा के पास है और 18 सीटें ऐसी जिसमें पिछले लोक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है, भाजपा जो है पिछड़ गई है। तो मुझे लगता है कि इन सबको मेंटेन करने के लिए जो 3 सीट पहले से भाजपा के पास नहीं थी और 18 सीट ऐसी जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में कम वोट मिले हैं कांग्रेस के अपेक्षा, ये 21-22 सीटों में पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आज का जो विषय आपने रखा है और आज की जो बैठक का मूल विषय है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, प्रत्याशी फीडबैक क्या मिल रहा है इसकी समीक्षा, जो इन लोगों ने जो सह प्रभारी और प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए हैं उनका फीडबैक क्या आ रहा है, ये सब बातों पर समीक्षा होनी है। खिलावत जी समय अब इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक हल्की सी टिप्पणी मैं राकेश जी से चलते चलते ये जरूर ले लूंगा। राकेश जी, पिछली दफा तो आप 27 लेकर आ गए थे, इस बार कहां देख रहे हैं, और क्या आज की जो रणनीति आपकी बनने जा रही है उसमें ये माना जाए कि जो 27 है वो बरकरार रहेगी?
देखिए सैनी जी, 27 सीटें जो जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत रही है, पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपने वचन जो दिए हैं जनता को, वो जो वचन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, किसी वर्ग में संतोष नहीं है, हर जगह असंतोष फैला हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार फैला, मुझे लगता है हम 29 में से 29 सीटें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जितेंद्र जी का जवाब क्या होगा। आप तीनों पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। लेकिन ये सच है कि 2019 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ये बात भी सच है कि 2018 में हार का सामना करना पड़ा तो जिम्मेदारी को ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वचन पत्र के मार्फत जिस तरह की चर्चा में राकेश जी ने कहा, और हमें लग रहा है कि वचन पत्र के वही मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2018 में, अब 19 में उसी को मुद्दा बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। और आज जब मंथन होगा तो मंथन इस बात पर भी होगा कि कैसे अपने नेताओं को डैमेज किया जाए, कैसे अपने नेताओं का डैमेज कंट्रोल किया जाए। वजह यह भी है कि जगह जगह से विरोध के स्वर उपजे हैं, और जाहिर है कि 15 साल तक कोई सत्ता में रहता है तो ऐसी तमाम सारी चीजें सामने आती है, जहां से सबक भी मिलता है और सीख भी मिलता है। और हमें लग रहा है कि 2018 में जो परिणाम सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी उसको समझ पा रही होंगी, और आज अपनी रणनीति में ये तय भी करेगी कि जो गलती 18 में हुई है वो 19 में ना हो। पर हमें इंतजार रहेगा। आज जीत की रणनीति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।